एक एयर कूल जनरेटर सेट का लोड टेस्ट आज हम इस वीडियो में करेंगे। आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग जो जनरेटर सेट सेल करते हैं उसका जो कैपेसिटी है वही कैपेसिटी का लोड आप इसमें दे सकते हैं या नहीं। तो ये प्रैक्टिकली आज आप लोगों को बताएंगे, ये भी बताएंगे ये कितना केवीए का जनरेटर सेट है और इसमें आपका लोड मैक्सिमम कितना डाल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि हम लोग ऐसे मशीनरीज एंड इंजीनियरिंग वीडियो टाइम टू टाइम लेके आते रहते हैं। दोस्तों और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दूँ, आप लोग वीडियो देख के वहाँ से फ़ोन नंबर लेके फ़ोन करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा कोई बोल रहा है कि आप लोगों को फ़ोन करते हैं लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं होता या फ़ोन नंबर गलत बताता है। देखिए दोस्तों, आप लोग जब वो नंबर ढूंढते हैं तो नंबर के साइड में देखिएगा वहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, तो वो टाइम के अंदर आप फ़ोन करिए, ज़रूर फ़ोन लगेगा, आपसे बात भी होगा, कॉन्टैक्ट भी होगा, क्योंकि हम लोग कोई फेक काम कोई फेक वीडियो नहीं बनाते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप मिस ना करें। ये जो एयर कूल जनरेटर सेट है इसका कैपेसिटी है 5 KVA। ये 5 KVA जनरेटर सेट में आज हम एक 200 एम्पीयर का पोर्टेबल होल्डिंग मशीन टेस्ट करेंगे, उसका लोड टेस्ट करेंगे जनरेटर का कि इसमें ये परफेक्ट लोड लेता है या नहीं। तो दोस्तों आप लोग देखा हमारा ये जो जनरेटर सेट है, ये जनरेटर सेट में आप फुल लोड डाल सकते हैं। इसमें आपका 5 KVA में 5 KVA लोड डाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो अल्टरनेटर है जो जनरेटर है ये आपका 100% कॉपर वाइंडिंग है, तो इसमें आप लोगों का लोड का कोई शिकायत नहीं आएगा। आप लोग एकदम आँख बंद करके हमारा ये जनरेटर परचेस कर सकते हैं। और एक बात फिर से आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है वो कॉन्टैक्ट नंबर में आप वही टाइम के अंदर फ़ोन करिए, फ़ोन आपका ज़रूर रिसीव होगा, बात भी होगा, क्योंकि हम लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे पहले देखते हैं। तो
तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर तो ज़रूर करिएगा और कमेंट्स पे बताइए आपका कोई रिक्वायरमेंट हो तो, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।